अच्छा मैं ये बता दूं, अभी पाकिस्तान से डॉक्टर आयशा सिद्दीकी साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है हमें आप। और उनकी तस्वीर आई थी फिर गायब हो गई। आप हाँ, वो तस्वीर आई थी, वो थोड़ा कनेक्शन का मालूम हो रहा है, कोई वो है स्लो है, कोई ऐसी बात नहीं है आप। तो ये जनाब, अब खालिद साहब क्या राय है आपकी, किसको बुलाएं हम? आप मुझे ही बुला लेते यार। चलें जी हाँ। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, आपने दो बातें करनी है, समझिया। आपने कुछ सुनाना है, सुनाने से पहले आपने जो है वो थोड़ी सी, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में भी कुछ कहना है आपने। चले वो तो खैर कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं माजर चाहता हूँ, थोड़ी सी ये टेक्निकल इशू हो गए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गए हैं। आज ये वर्चुअल ईद मिलन पाक अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल का आ रहे हैं। हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2011 से शुरू हुई थी, एक ईद मिलन प्रोग्राम से ही। उस वक्त डाज रेस्टोरेंट होता था, बहुत मशहूर होता था किसी जमाने में, तो वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद वहाँ से हम कबाब कॉर्नर पे मूव हो गया, वहाँ पे प्रोग्राम होता रहा। अब इन जिन नाजुक हालात में हम गुजर रहे हैं, तो इसलिए इस वक्त इसी तरीके से हम ये प्रोग्राम कर सकते थे, तो जूम पे मुलाकात हो रही है सबके साथ वर्चुअल। I'm glad के आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से हमारे दो मेहमान हैं, शहजाद बशीर भाई, वो तो हमारे अपने ही हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे कबाब कॉर्नर वगैरह में भी रहे हैं। डॉक्टर जो हमारी आयशा हैं, ये साहिवाल से तशरीफ लाई हुई हैं, और ये भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, या UCD में पढ़ के गई हैं किसी ज़माने में। तो सबको खुश आमदेद। तो ये ईद का है, तो एक ईद की चीज थी, मैं थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। जी जी जरूर। कहते हैं कि ये ईद कैसी ईद है, उदास शहर दिल बरा, जमीन खुश न आसमां, न काफले न कारवां, एक खौफे मर गए जहां, अजीब सिलसिले हुए, बिछड़ गए मिले हुए, गुबार होके रह गए जो फूल थे खिले हुए, जो फूल थे खिले हुए, ना रौन के वाल की, ना कुर्बते जमाल की, गुमा सुख तराज है ना शोखियां ख्याल की, और आखिर में के गले नहीं लगा सके, ना हाथ ही मिला सके, ना तुम हाथ की, ना ईद हम मना सके, ये ईद कैसी ईद है, ये ईद कैसी ईद है। तो बात है, ये ईद ऐसी ही है आजकल। बहरहाल वर्चुअल ईद मना रहे हैं, तो बड़े सेफ हैं, एक दूसरे से मास्क भी नहीं पहनना पड़ रहा हमें। तो ये तो ईद की थी, तो और कौन रह गया इस वक्त? हम मेरे ख्याल में ये आयशा साहिबा को आप बुलाइए, जरा अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और लेटर से समथिंग। ठीक आयशा, क्या सुन सकती हैं आप आवाज हमारी? आयशा उनका माइक जो है वो ऑफ है। अच्छा, वो और नहीं, वीडियो दोनों चीजें उनकी ऑफ हैं, वीडियो उनकी ऑफ है। एक मिनट, मैं उनसे कहता हूं कि आप जरा के चलिए जी। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू वर्चुअल ईद मिलन पार्टी में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम साहिवाल ऑल द वे। तो ऐसा इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगी, सबने थोड़ा थोड़ा करवाया था, और
अगर आप कुछ थोड़ा ज्यादा भी बोलना चाहें अपने किसी सिलसिले में, इरशाद आपके पास इस वक्त माइक है। वैसे सोचा तो सर मैंने काफी कुछ था बोलने के बारे में, और मैं हमेशा जब बोलना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले अपने आप को समझाती हूँ कि टाइम लिमिट के अंदर रहना है। कुछ ज्यादा टॉकेटिव हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग हैं, एज की बात नहीं कर रही, वैसे भी माशाल्लाह बड़े अजीम अजीम लोग हैं, तो समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सर का तारुफ जो है, मतलब आपने जो मेरा तारुफ करवाया है, तो इसको रिपीट कर देती हूँ कि मैं PhD कर रही हूँ साहिवाल से, और मेरा नाम आयशा है, और UC डेविस में मैं आई थी लाइक 2017 में, जहाँ पर बड़े इत्तेफाक से मेरी आपसे मुलाकात हुई थी डेविस के अंदर, इंटरफेथ लाइक इफ्तार पार्टी थी। उसके बाद कुछ सिलसिला जो है आपसे चलता रहा। सबसे पहली बात तो ये जो एक कनेक्शन था ये साहिवाल से शुरू हुआ, और मेरा ख्याल है कि साहिवाल के कनेक्शन इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी जो बात यही है, और वो आज तक वो कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है। और तारुफ जो है मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मैं नहीं करवा सकती, और जो सोचा भी था वो भूल गई हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आप कुछ जो है गुफ्तगू करें। तो आप साहिवाल के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? साहिवाल के बारे में बताने के लिए तो बेतहाशा है। नहीं, बेतहाशा नहीं, हमें 2-3 मिनट में बता दें जो खास खास चीजें आपकी। खास चीजें की तो मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ यहाँ की गाय के बारे में, क्योंकि बहुत सबसे फनी बात है, लेकिन मेरे साथ ना कुछ इत्तेफाक ऐसे हुआ है कि जब भी मैं खासतौर पे फैसलाबाद में, लाइक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ती रही हूँ, तो उनकी माशाल्लाह जेनेटिक्स के अंदर है कि वो हर बात जो है वो थोड़ा सा मजाक की तरफ ले जाते हैं, तो जब भी वो मुझसे तारुफ में पूछते हैं कोई भी कि आप कहाँ से हैं और मैं साहिवाल की बात करती हूँ, तो वो बात हमेशा जो है वो गाय से शुरू होती है और गाय पे खत्म होती है। तो मैंने जो है ना इसका हल ये निकाला है कि मैं खुद ही लोगों को कह दूं कि हाँ जी, मैं साहिवाल की गाय को एक लिविंग लेजेंड मानती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है। सही बात है, सही बात है। साहिवाल के मंटगोमरी बिस्किट भी बहुत मशहूर होते थे दुनिया भर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बल्कि ना मैं हमेशा से बचपन से ही जो है, जब मुझे पता था कि साहिवाल का नाम किसी जमाने में मंटगोमरी होता था तो किसी अंग्रेज साहब के नाम पर, लेकिन चूंकि मैंने तो सिर्फ बचपन से बिस्किट ही खाए थे मंटगोमरी, और काफी मशहूर थे, शायद आपने कभी सुना उनके बारे में, आपने कभी खाए हो, तो उसके बाद से जो है वो मैं समझती थी कि ये इस मंटगोमरी बिस्किट के टेस्ट की वजह से मुतासर हो गया, साहिवाल का नाम मंटगोमरी था किसी दौर में, बट मे बी दैट वाज नॉट ट्रू। सही बात है, सही बात है। चलें, जबरदस्त। थैंक यू। जहूर साहब ने ज्वाइन कर लिया है भाई हमें। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब? जो साहब तो जबरदस्त, थैंक यू यार। सॉरी आपको कुछ ट्रबल हुई थी ज्वाइन करने की, फिर भी आप टिके रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं और फिर दूसरा था लिंक, वो उसने भी काम नहीं किया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं सब क्या, बस फिर आपकी ये ईमेल मैंने अभी देखी है, फिर मैं दूसरा। किधर चले गए आप? खालिद भाई और सिस्टर आयशा कुछ उनसे सुन ले ना तारफ, इनकी बारी बाद में ऐसे आप उन्होंने अपना माइक जो है जी। आयशा बीबी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, वालेकुम सलाम। आप से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मीठा मीठा तैयार कर लें आप, तो वो सुनाना चाहेंगे तो प्लीज आएं और इनायत फरमाएं। सर आप कंटिन्यू करें, मैं आपको जरूर ज्वाइन करती हूँ, मुझे जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, तो मैं फिर आपको जरूर कुछ मीठा मीठा सुनाती हूँ, लेकिन okay. पहले जो है मैं, मेरे बड़े बात कर रहे हैं तो मैं वो सुनना चाहूंगी। चले एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वांटेड, काफी कोशिश के बाद आप आई हैं, तो अपने गजाली साहब जी भी इसको चले ना, आप कर रहे हैं इसको, मैं नहीं तो। तो अब जो है क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है आपने ये जो
मलिक साहब है ना, मलिक अवान साहब हैं, ये थोड़ा मजलिस को थोड़ा गर्म करें अपने खास अंदाज में जो सुनाते हैं। जी मलिक साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो इतने पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े लोग माशाल्लाह, तो बड़ी ऐसे लोगों की मजलिस में मेरे को तो समझ ही नहीं आती मैं क्या सुनाऊँ आपको, मुझे तो आता कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुशांत। तो इजाजत है तो मैं थोड़े से आपको शेर सुना देता हूँ। इरशाद मलिक साहब, कोरोना के बारे में रात ही मेरी बात हो रही थी शाकिर शजाबादी से, बहुत अच्छे शायर हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। तो कोरोना के उन्होंने एक नया शेर लिखा है। वो फोन पे बात कर लेते हैं वैसे शाकिर शजाबादी साहब, काफी बीमार हैं वो। उनके बेटे ने मतलब वो बातें समझ रहे थे, इशारे से कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, इशारे से। मैंने उनके एक दो मुशायरे भी अटेंड किए हुए हैं पाकिस्तान में, तो काफी मुश्किल होती है अक्सर, वो ट्रांसलेटर साथ खड़ा होकर उनको बताता है ना, कोई ये कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वैसे वो जो लिखते हैं ना तो बेटे उनके लिख लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं माशाल्लाह, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, लेट ईद मुबारक। में पहले तो खालिद भाई की ये जरा नवाजी है कि हमें इस काबिल समझा है गजाली साहब ने, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपकी महफिल में, आप जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और इरशाद वो कहते हैं कि कोरोना वबा है, कोरोना वबा है अजा ला दवा है, कोरोना वबा है अजा ला दवा है, करोना वबा है अजा ला दवा है, वबा की ते परहेज ते बस दुआ है, परहेज ते बस दुआ है, करोना वबा है अजा ला दवा है, वबा की ते परहेज ते बस दुआ है। और आपने मेरी जो मैंने नज़म पढ़ी है कर दे माफ खता हमारा रब्बा सोने, वो भी आपने बहुत पसंद की है माशाल्लाह, बहुत लाइक की है, शुक्रिया आपका। तो एक और शेर उनका उर्दू का सुनाता हूँ कि झोंका हवा का था आया गुजर गया, झोंका हवा का था आया गुजर गया, झोंका हवा का था आया गुजर गया, कश्ती मेरी डबो कर दरिया उतर गया, कश्ती मेरी डबो के, कश्ती मेरी डबो कर दरिया उतर गया, सदका जो मेरे यार ने मेरे प्यार पे दिया, देखा जो गौर से तो मेरा ही सर गया, मेरा ही सर गया, सदका जो मेरे यार ने मेरे प्यार पे मुझे दिया, देखा जो गौर से तो मेरा ही सर गया, बचती हैं अब नियाजें उसके मजार पर। गजाली साहब जी जी जी, बढ़ती है अब नियाजें उसके मजार पर, वो शख्स जो कुछ रोज पहले फाकों से मर गया, फाकों से, फाकों से मर गया, बहुत खूब, तो मुझे कत्ल करके शाकिर, मुझे कत्ल करके शाकिर रोया वो बेपना, मुझे कत्ल करके शाकिर रोया वो बेपना, बेपना सादगी से कातिल मुकर गया। पाकिस्तान में अमूमन कातिल मुकर जाते हैं। वालेकुम जी, वीर मुबीन साहब ने ज्वाइन कर लिया है हमें जी। सलाम अलैकुम, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी साहब। अच्छा खालिद साहब, अब क्या ख्याल है, आप किसको बुला रहे हैं? भाई अपने हाफिज साहब काफी देर से बैठे हुए हैं। उबैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चलिए जी हाफिज साहब जी। सर एक गजल सुनाता हूँ जी, इसलिए करियाए दिल में मेरी इज्जत कम है, इसलिए करियाए दिल में मेरी इज्जत कम है, मेरे कासे में अभी इज्ज की दौलत कम है। वाह, मैं हर एक काम तसल्ली से किया करता हूँ, मैं हर एक काम तसल्ली से किया करता हूँ, इश्क मत सौंपिए साहब मुझे फुर्सत कम है। बहुत खूब, बहुत
बांट सकती है मेरा हिजर उदासी मेरी, बांट सकती है मेरा हिजर उदासी मेरी, आजकल मुझ पे मगर उसकी इनायत कम है। मेहरबान है मेरे दिल पे तेरी यादों की हवा, मेहरबान है मेरे दिल पे तेरी यादों की हवा, मेरे सीने में घुटन शहर की निस्बत कम है। कम है। वाह। कर दिया मैंने हवाओं के हवाले वरना, कर दिया मैंने हवाओं के हवाले वरना, गम को खुशबू में बदलने की रिवायत कम है। कम है। वाह वाह बहुत अच्छा। गर खुशी जेब पे भारी है तो मैं हाजिर हूँ। अगर खुशी जेब पे भारी है तो मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ मतरू के जमाना मेरी कीमत कम है। इश्क करता हूँ इबादत के करीने से कबीर, इश्क करता हूँ इबादत के करीने से कबीर, इसलिए भी मेरी इस काम की शोहरत कम है। कम है। वाह 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 बहुत अच्छे भाई। इसलिए करिया दिल में मेरी इज्जत कम है, मेरे कासे में अभी इज्जत की दौलत कम है। वाह। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म में दूसरी सुना दूंगा जी, अभी बस इतना ही। बड़ी मेहरबानी। गुड हाफिज साहब, लैला की कदर जो होती है ना वो मजनू से पूछनी चाहिए। कदर आपकी बहुत है। अभी जो है मेरा ख्याल है ये ख्वातीन में से किसी ख्वातीन में कहे सर। जी ख्वातीन आई हैं कहे सर। जी जी खातून से ख्वातीन हो गई ना माशाल्लाह, दो ख्वातीन हमारे साथ। जी दूसरे कौन है? एक तो मरवा साहिबा को भूल गए। मरवा भी आ गई है माशाल्लाह। वो आ नहीं गई है, वो तो पहले ही से हैं वो। अच्छा जी जी बुलाएं ना जरा, वो उनसे भी जरा करवा देना। जी जी मैं जी 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 मरवा ना शेज, हाँ उन्होंने अपना वीडियो भी ऑन कर लिया है और माइक भी उनका जो है अनम्यूट है इस वक्त। जी मरवा साहिबा। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम खालिद सर, बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। दस थैंक यू फॉर कमिंग। और हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे याद रखते हैं, जब भी इतनी खूबसूरत महफिल होती है हमेशा जो है वो मुझे इनवाइट करते हैं या मुझे इसमें शिरकत करने का मौका देते हैं, जिसकी मैं बहुत यू नो इस तरह की जिंदगी में जिसमें इतनी भाग दौड़ है, इतनी खूबसूरत शायरी सुनना, इतने खूबसूरत लोगों में बैठना, यू नो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने खूबसूरत मैंने अशार सुने हैं कि मेरा तो दिल खुश हो गया, बहुत ही अरसे बाद जो है वो इतनी खूबसूरत शायरी मैंने सुनी है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना दिल बाग बाग हो जाना, तो वो बाग बाग ही हुआ है इस टाइम दिल मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, पहली दफा मैं जो है वो इस तरह की गैदरिंग का या महफिल का हिस्सा बनी हूँ इन इन कई सालों में, तो अच्छा। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। जबरदस्त बहुत नवाजिश कुछ। तो मैं जी बिल्कुल मैं एक बहुत मुख्तसर नज़म है उससे शुरुआत करूंगी, उसका उनवान है जुस्तजू। तो कहते हैं कि हाँ जी जुस्तजू, अजनबी सी राहों का अजनबी मुसाफिर एक, अजनबी सी राहों का अजनबी मुसाफिर एक, मुझसे पूछ बैठा है रास्ता बता दोगे, अजनबी सी राहों के अजनबी मुसाफिर सुन, रास्ता कोई भी हो वास्ता कोई भी हो, मंजिलें नहीं मिलती मंजिलें तो धोखा है, मंजिलें जो मिल जाएं जुस्तजू नहीं रहती, जिंदगी को जीने की आरजू नहीं रहती। बहुत हो बहुत जिंदगी को जीने आरजू नहीं रहती। जबरदस्त जबरदस्त। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है तो नहीं, नहीं वक्त बहुत है जी, ये तो वक्त है आपके पास। इंतहाई मुख्तसर नज़म थी आपकी। जी जी और मैंने अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने एक बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी हरीचंद अख्तर साहब की, बहुत बड़े शायर गुजरे बड़े सगीर के, तो उसके पहले तीन अशार जो है वो मैं आपकी नजर करूंगी, मुझे बहुत खूबसूरत लगे। कहते हैं कि
मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोजख अता होगा। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोजख अता होगा, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा, रहे दो दो फरिश्ते साथ अब इंसाफ क्या होगा। रहे दो दो फरिश्ते साथ अब इंसाफ क्या होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। फिर आखिरी शेर में अल्लाह सुभानहु व तआला की रहमत बयान करते हैं, जो मुझे इतहाई खूबसूरत लगा कि जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया। कहते हैं, बरोज़े हशर हाकिम कादरे मुतलिक खुदा होगा, बरोज़े हशर हाकिम कादरे मुतलिक खुदा होगा, फरिश्तों के लिखे और शेख की बातों से क्या होगा। क्या होगा, वो क्या लिखे, वो क्या कहें, खुदा वहां है जिसने फैसला करना है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रहमत है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है जिंदगी में। वेरी गुड चॉइस जी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा ऐसे मैंने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, कि मुझे पता है बहुत खूबसूरत लोग हमारे साथ हैं, तो मैं शायद एक अब मुझे मुझे अगर मुझे पता नहीं कि एक शेर की मेरे पास टाइम है या मैं कुछ अचार और पढ़ सकती हूं। नहीं और अचार चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देंगे डॉक्टर मरवा गजाली साहब। हां जी साहब, तीनों हजरात, एक्चुअली मरवा को जब मैंने इनवाइट किया था ना जी, तो पता नहीं था कि ये अवेलेबल होंगी कि नहीं, बहुत बिजी होती हैं। इन्होंने कुछ महीने, कई महीने बल्कि कपल ऑफ ईयर्स अगो हमारी एक महफिल में आके कुछ पढ़ा, और वो इतना जबरदस्त था, मुझे भूल गया था कि उन्होंने क्या क्या था, लेकिन मुझे ये पता था कि वो बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी थी जो मुझे, तो इनसे मैंने दरखास्त की थी कि अगर इनको समझ आ जाए कि वो क्या है तो वो जरा बता दें हमें। तो तैयार खाली सर, मैं हाँ जी बस कहना चाहूंगी कि वो मैं उसको दोबारा ढूंढ नहीं सकी, वो मेरी कहीं नोट्स में पड़ा है। अच्छा, मैं उसको आज तलाश कर रही थी, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट महफिल में जो है वो जरूर आपकी नजर करूंगी। मैं उसको कुछ वो मेरा ख्याल है मेरे नोट्स में इधर उधर हो गया था, आपको पता है हम लिखते हैं चीजों को। जबरदस्त, इंशाल्लाह मैं जरूर अगली महफिल, ठीक हाँ जी, वो आपकी नजर जरूर करूंगा। हाँ जी इंशाल्लाह, नहीं बहुत मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, इतना मजा मुझे आ रहा है कि मैं मुझे इस बात पे दुख हो रहा है कि मैं पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा क्यों नहीं बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ये देखिए, हमारा ये पहला प्रोग्राम है और अपने खालिद साहब कहते हैं कि ये हमने हर महीने करना है, इंशाल्लाह घर बैठे आप ज्वाइन कीजिए इसको। क्या तो आप मरवा जो भी आप लाइए। हाँ जी मैं बस जी कुछ अशार जो हैं वो दो तीन अशार और पढ़ूंगी। एक बहुत खूबसूरत गजल जो है, वो शायरी में पढ़ती रहती हूँ तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गजल कहीं ना कहीं, मतलब इसके जो अशार हैं वो हम कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं या इन तजर्बात से गुजरते हैं जो शायर ने उनको अल्फाज में ढाला है। तो हर शेर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने जिंदगी में उसको एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगा कि मुझे ये सब आपसे शेयर करना चाहिए। मैं उसके कुछ अशार आपकी नजर करती हूँ। कहते हैं कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं। जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में, जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में, दूर से लोग समरबार समझते हैं मुझे, मैं बदलते हुए हाथ में ढल जाता हूँ, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। और देखिए मुझे इसका खूबसूरत लगा, कहता है कि रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया, वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत खूब जी, बहुत अच्छी चॉइस है।
साहब आपका पहला प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह कामयाब जा रहा है। तो ये जो गजल अभी सुनाई है, एक बात कहना चाह रहा था, ये जो अभी गजल आपने सुनाई है इसमें कुछ कुछ शेर मिसिंग भी है शायद, वो कुछ ऐसे था कि ओ अच्छा 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 मैंने कुछ और शेर जो आपने सुनाया वो मैंने नहीं सुने हुए थे, लेकिन जो इसमें थे कि काफी अच्छी पॉइंट थी वो, सही है, दैट्स गुड, थैंक यू। काफी खूबसूरत है, काफी लंबी गजल है, इसमें कुछ काफी अशआर हैं, लेकिन मैंने बस मुख्तसर दो तीन जो है वो सुनाए हैं ताकि मैं आपका वक्त, मैंने कहा कि वक्त नहीं बहुत लेना चाहता तो इसलिए मैंने बस उसमें से कुछ चुन के मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शेर ही बहुत खूबसूरत है। गजल ही खाली साहब, अब हमारे पास तीन मेहमान हैं, इसमें एक अपने ज़हूर साहब हैं, एक मुबीन साहब हैं, और फिर वो आयशा साहिबा हैं। हाँ बिल्कुल, अब आप किसको सुनना पसंद करेंगे, आप दावा दीजिए। कनेक्शन तो नहीं खत्म हो जाता साहिबाल से, अगर है तो उनसे अगर थोड़ा सा तो हाँ जी जी हाँ, शी इज ऑनलाइन, उनका जो है वो वीडियो ऑफ है, मैं उनसे उन्हें कह दें प्लीज वीडियो ऑन करा रहा हूं, मैंने उनसे कहा है कि वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी बरवा आप ऊपर ही रहिए यहीं पे, अभी वीडियो ना ऑफ कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ए भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम मरबा को देखकर मुझे सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूंगी, बहुत अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई है, इनको देखा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा, और वाकई बहुत अमेजिंग पर्सन हैं, और मैं लाइक इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। माशाल्लाह इनकी सक्सेस स्टोरीज देखकर दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लोग माशाल्लाह लाइक इतने टैलेंटेड हैं, इस तरह से हैं। तो कैसी हैं आप, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक जो कि गुजर चुकी है, और हमेशा आपसे लाइक आपकी पोस्ट देख के आपकी सक्सेस देख के माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी होती है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, और सबसे सबसे यूनिक बात जो मेरे लिए सोचने में थी वो ये थी कि एक साइंटिस्ट होना और साथ में एक शायरी का इतना शुगफ होना, ये बड़ी कमाल की बात है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हर बंदे में नहीं पाया जाता। बस अभी मैं वही कहती हूँ कि हर जब आप बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो साथ एक एस्पेक्ट आपने रखा होता है जहाँ पे आप जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, उसका बहुत नवाजिश है कि उसने ये भी अल्लाह की मैं कहती हूँ रहमत है इंसान में कि उसको शायरी का शुगफ हो, अशआर समझना और अशआर करना और उसको अप्रिशिएट करना, ये भी खुदा की रहमत है, बहुत बड़ी करम है। आयशा मैं मेरे पास जी सर प्लीज यानी मैंने कहा भी बहुत ये भी बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए तो मैं आप माशाल्लाह आप दोबारा कहिएगा प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा इरशाद फरमाइए आप प्लीज। सर मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, मैं इतनी इतने अच्छी अच्छी सुन चुकी हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैठ के सिर्फ सुनती ही रहूं, कहने को जो है मेरी जुबान भी जो है वो साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं एक छोटी सी सिर्फ कहना चाहूंगी जो लाइक चंद सिर्फ चंद अशार पे मुश्तमिल है। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, वो खुद जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। बहुत खूब बहुत खूब। वो जिन दरख्तों की छाओं में, वो जिन दरख्तों की छाओं में से मुसाफिर को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाओं में से मुसाफिर को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गाँव का एक ज़ईफ़ दहका, वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका, वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। बहुत बहुत ये यहाँ एक अलीगढ़ का मुशायरा होता है उसमें ये किसी ने ये नज़्म पढ़ी थी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ ये
सिलेक्शन माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। आप कुछ और सुनाएंगी या आयशा साहिबा? फिलहाल तो सर मैं इतना ही, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर सुनाऊँ तो मैं आप लोगों से चार चार गजलें सुनूंगी, तो अगर आप में से कोई पहले शुरू करे तो फिर उसके बाद शायद। चलिए ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास एक मुबीन साहब हैं और अपने किधर गए भाई वो जहूर साहब। हेलो हेलो जी, माशाल्लाह क्या जबरदस्त कमीज पहनी हुई है आपने। कमीज की मुनासिबत से अच्छी चीज सुना दें आप। मुझे तो सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है, ना तो मैं शायर हूँ और ना मुझे पढ़ना आता है, तो मैं सुनता सुन के खुश होता हूँ, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया है। तो एक थोड़ी सी है, एक नौजवान शायर है जो उनकी गजल मोहम्मद अहमद की, तो वो सुनाता हूँ, लगता है वो भी कुछ शेल्टर इन प्लेस में है, तो लोग देखते क्या कहते हैं। इस तरह बैठे हो क्यों बेजार से, भर गया दिल, इस तरह बैठे हो क्यों बेजार से, आई थिंक आई लॉस्ट इट, सो लेट मी गो बैक। कोई बात। इस तरह बैठे हो क्यों बेजार से, भर गया दिल राहत दीदार से, अश्क क्या डलका तेरे रुखसार से, गिर पड़ा हूँ जैसे मैं कोहसार से, दर खुला तो मेरी ही जानब खुला, दर खुला तो मेरी ही जानब खुला, सर पटकता रह गया दीवार से, वाह वाह वाह। एक दिन खामोश होकर देखिए लुत्फ अगर उठने लगे तकरार से, वाह वाह। कदर कीजिए फैज जिस जिस से मिले, सारी दीवार है दीवार से, वाह वाह वाह। साया दीवार है दीवार से। बहुत अच्छे। बिक रही है जिंदगी के मोल मोत, जाइए ले आइए बाजार से। जी बहुत में अहमद ऐब है लाखों, मगर वास्ता है तेरा किस सतार से, वाह वाह। ये तो अड़ी अपनी है जोर साहब। नहीं साहब, वैसे सुनाया तो ऐसी है जैसे जहूर भाई की अपनी है। मैं पहले कह दिया ना, तो मुझे शायरी का लिखनी आती है तो ना पढ़नी आती है, तो मैं तो सोने के लिए आती हूं। नहीं जी, सुनाई सकती हूँ, बहुत अच्छा।